नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। तब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नाम पर लेफ्ट के किले को ढा दिया था। इस बार बीजेपी भी वही रणनीति अपना रही। ऐसे में सवाल है कि क्या लोकसभा चुनाव में संदेश खाली अहम फैक्टर होगा, क्योंकि संदेश खाली को लेकर बीजेपी लगातार आक्रामक है। ममता बनर्जी की सरकार को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी के लिए मुश्किल यह है कि अदालत से भी लगातार झटका लग रहा है। हाई कोर्ट ने टीएमसी को झटका देते हुए कहा है कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी के बीच जहां बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं संदेश खाली के लोग सड़क पर हैं। সর্দার জমি লোকে নিয়ে নিচ্ছে, ওনাকে শাস্তি চাই, আমরা শাস্তি চাই। আমাদের জমি জায়গা সব কেড়ে নিচ্ছ, শঙ্কর সাজান আর ওই ডাক্তার সিরাজ ডাক্তার, এনে শঙ্কর শাস্তি চাই। संदेश खाली के सन की शाहजहां की फरारी के बीच ये नई तलखी। क्रूर सरदार के कथित अत्याचार से साक्षात्कार करने वालों के आक्रोश की ये नई किश्त है। बरसों से क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वालों के खिलाफ ये विरोध है, जिसमें क्रोध है, तड़प है, बदला लेने की बेचैनी। কেন এতদিন আমাদের জমি যা রাস্তাঘাট তো যা কিছু আছে সব তো ওরই, আমাদের কিছু না। उस शंकर सरदार के खिलाफ प्रतिकार है जो शाहजहां का लेफ्टिनेंट है, जो अब तक फरार है। फरार वो शेख शाहजहां भी है जिस पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी की है। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि हम रजिस्ट्री को अखबार में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देंगे, क्योंकि शाहजहां शेख लापता है। शाहजहां के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है, उसे गिरफ्तार नहीं करने का कोई कारण नहीं है। कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक वाली विशेष टिप्पणी इसलिए की है क्योंकि दीदी के भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी में देरी के लिए अदालत को जिम्मेदार ठहराया था। अब जब कोर्ट ने फिर तल्ख टिप्पणी की है तो बीजेपी आक्रामक है। पहले जो ट्रेलर संदेश खाली में चल रहा है, ये तो पूरा संदेश खाली तो अभी पहली झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। बंगाल में गांव-गांव से इस प्रकार घटना होने वाला है, अभी वो शुरू हुआ है। ब्रिगेड तो बहुत दूर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जहाँ तक की ऐसी घटनाएं घटती है तो उस पर कठोर कार्रवाई भी होती है, और जहाँ से स्टेट से भी हम लोग मदद की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वहाँ पे वो मदद नहीं मिलती है, इसके ये उदाहरण साक्षी। संदेश खाली के जरिए बीजेपी लगातार ममता बनर्जी को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्या बंगाल में महिला अत्याचार चुनावी मुद्दा बनेगा? क्या ममता बनर्जी के लिए भारी पड़ेगी संदेश खाली? इन्हीं सवालों के साथ एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उलुबेरिया लोकसभा क्षेत्र में, जो हावड़ा में है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष का ये आरोप है कि संदेश खाली की घटना सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि बंगाल में गली गली में संदेश खाली जैसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं ममता इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहती हैं कि बीजेपी के पास 5 साल में गिनवाने के लिए कोई काम नहीं रहा, तो इसलिए बीजेपी इस तरह के षड्यंत्र कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया लोकसभा क्षेत्र में, अपने उसी सवाल के साथ कि आखिर आने वाले चुनाव में यहां के मतदाताओं के लिए क्या होंगे अहम मुद्दे, और क्या नारी सम्मान का मुद्दा आने वाले लोकसभा चुनाव में बनेगा एक अहम फैक्टर। सबसे पहले उलुबेरिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में जान लीजिए। 2009 के बाद से लगातार यहां पर टीएमसी की जीत हो रही है।
2009 से 2017 तक सुल्तान अहमद और उसके बाद से उनकी पत्नी सजदा अहमद सांसद हैं। इससे पहले 1980 से लेकर 2004 तक लगातार 8 बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हन्ना मुल्ला सांसद रहे। पहले लेफ्ट और अब दीदी के इस अभेद्य किले में संदेश खाली का कितना असर होगा, इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची बागनान विधानसभा क्षेत्र। इस वक्त हम उलबेरिया लोकसभा क्षेत्र के बागनान विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से गुजरते वक्त हमारी नजर पड़ी इस इमारत के ऊपर, पता चला ये महिला विकास केंद्र है जहाँ आसपास की महिलाएं खुद आत्मनिर्भर रूप से काम करती हैं और तमाम तरह के प्रोडक्ट यहाँ बनाए जाते हैं। पहले भाई साहब से पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विप्लव घोष है। अच्छा विप्लव दा, पहले ये बताइए ये क्या है बिल्कुल शॉर्ट में? ये जो है ये एसएचजी वुमन के एक फेडरेशन है। ये बताइए वोट करती हैं? जी वोट करती हूँ। तो वोट करते वक्त क्या कुछ सोच के जाती हैं या दादा जो बोल देते हैं वही करते हैं? ना सोच, ये सोच के जाती हूँ जे हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और बढ़ाने के लिए। अच्छा ये बताइए, बंगाल में बात हो रही है महिला सम्मान की, संदेश खाली को लेकर, तो चुनाव में महिला सम्मान भी कोई मुद्दा होगा बड़ा? महिला सम्मान तो होना चाहिए। होना चाहिए जी। मुख्यमंत्री है जे ममता, उसका नीचे जे नेता लोग रहते हैं ना, वो लोगों का काम ठीक नहीं लगता। मतलब कहते हैं कि दीदी ठीक है जो नीचे चेले चपाटे हैं। जी जी जी। जैसे शेख शाहजहां जो भागा हुआ है संदेश खाली में। जी चलिए दीदी, आप कुछ बोल रही थी पीछे से, आप ही बोल रही थी ना? मैं बोल रही थी कि आप दीदी और मोदी इसके बारे में इसके बारे में बोल रहे हैं, दोनों ही दोनों के जगह में सही है। तो आप तो कह रही दोनों ही अच्छा है, दादा दिल्ली में अच्छा है और दीदी कलकत्ता राज्य में अच्छा है और मोदी केंद्र में अच्छा है। हम लोगों को चाहिए काम, सम्मान और अधिकार। चलिए इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर लोगों का मन टटोलने के बाद जब एबीपी न्यूज की टीम आगे बढ़ी तो रास्ते में एक मुस्लिम महिला मिली। कैमरा जब उनकी ओर घूमा तो उन्होंने कुछ यूं अपने मन की बात कही। ये बताइए दीदी, कैसा चल रहा है बंगाल का हाल चाल? बंगाल का हाल चाल खूब ही खराब है। खराब है? हाँ। क्यों? बहुत खराब है। क्यों बोलता तो वो टीएमसी है ना, उसको ये गोंडा बाहिनी वो हर तरफ गोंडा बाहिनी के लिए काज करता है। किसी को जाएगा नहीं था बोलने के लिए, जाते तो उसको बोलता क्यों आता। तो आपको क्या लग रहा है कि सच में ये संदेश खाली की जो घटना हुई है वो बहुत बुरा है? हम एक लड़की है इसलिए बोल रहे हैं जे कि आपके आंखें डबडबा रही हैं। है दीदी ठीक नहीं है? नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? वो उसको जाना है, फिर दीदी को जाना है? हाँ। तो फिर आना किसको है? आना वो जो पब्लिक जिसको समर्थन करते वो आते, बीजेपी बोलो तो फिर भी अभी है देखते हैं हम बीजेपी है। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? वो फिर भी तो अच्छा है। हाँ तो महिला मुख्यमंत्री है ममता दीदी ना, अभी महिला महिला मुख्यमंत्री है बोल के महिला के ऊपर इतना अत्याचार है। तो देखिए आप एक मुस्लिम महिला हैं, आप कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या हिंदू क्या मुसलमान सब पे संतरास हो रहा है? वो सच है। ऐसा तो नहीं होगा दीदी जो कहती हैं कि मुसलमान मेरे लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा लोग चुपचाप जाके कमल छाप दबा देंगे? चुपचाप जाके नहीं, वो क्या हमारा घर पे जो हमारा बूथ है उसमें वोट नहीं देता। हम लोग पंचायत वोट गए ना उसको नहीं, इलेक्शन में हम लोग वोट डालने के लिए नहीं गया। ये बताइए कि अगर आपको वोट देने दिया जाए तो आपके लिए दीदी या मोदी? हाँ मोदी। मोदी? अरे आप एक मुस्लिम महिला, लोग कहते हैं मुसलमान पसंद नहीं करते मोदी। देखो हम क्या बोल रहे हैं, वो पार्टी है ना, मतलब हम किसी आपको जो कोनो नेता को लेकर आता है किसके लिए, हमको सुरक्षा लिए। लेकिन दीदी क्या कौन सा सुरक्षा दे रहे? यहाँ से जब श्रीनिवास आगे बढ़े तो उन्हें सड़क के किनारे दो लोग मिले, उन्होंने संदेश खाली के जरिए उनका मन टटोलने की कोशिश की। आपको क्या लग रहा है कि आपके लिए क्या मुद्दे होंगे? वैसे दीदी ने तो आप पे ठेकेदारी ठोक रखी है कि ये हमारा वोट है। दीदी का जो वोट है मतलब वो पहले था, आज की तारीख में दीदी के साथ में आदमी नहीं है। मुसलमान भी नहीं है? मुसलमान भी नहीं है, मुसलमान ISF कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, CPM कर रहे हैं। जो उनका पॉकेट वोट है वो तो गुंडागर्दी में बिजी है। इंसान का परिसेवा कहाँ दे रहे हैं वो लोग, आदमी को लूट रहे,
आदमी को काटिंग कर रहा है तो आदमी कैसे उनके साथ रहेगा? मतलब आप कह रहे हैं कि दीदी के लोग जो हैं वो उनके साथ नहीं है, अपना माइनॉरिटी मुसलमान एरिया में जो है अब्दुल सलाम साहब नाम जी है हमारा, अब्दुल सलाम है। अब्दुल सलाम भी दीदी के साथ नहीं दिखा? बिल्कुल नहीं है, हम 10 साल से इन लोगों से परेशान है। जो संदेश खाली में हुआ है, दीदी कह रही है कि ये तो षड्यंत्र है, हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कह रही है कि ये सजा के लोग बोल रहे हैं। गलत है सर, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। वहाँ का जो इंसान मुंह खोल रहा है संदेश खाली, अपना ये बागनान विधानसभा भी संदेश खाली होकर बैठे है सर। पश्चिम बंगाल की हर कोना कोना में ऐसा मतलब संदेश खाली हो गया है, आदमी मुंह नहीं खोल पा रहे, आदमी बोल नहीं पा रहे डर से। आज की तारीख में हम गांव में जाके ऐसा बात कर रहे तो हमको पिसा रहेगा, रात से पुलिस आकर हमको डिस्टर्ब करेगा। तो ये क्या कह रहे हैं, ऐसा सच में ऐसी घटना है क्या? 100% करेक्ट। तो चुनाव में ये मुद्दा होगा दादा? एब्सोल्युटली। नारी सम्मान? हाँ 100%। कह रहे हैं कि आपके गाँव में भी ऐसी तमाम घटनाएं हैं, परेशान है लोग, तो आप लेके चल सकते हैं अपने गाँव? चल सकते, लेकिन उन लोगों को फिर शेल्टर कौन देगा? रात से जो पेशार आ जाएगा नेता लोगों का। अच्छा, फिर आप पे खतरा हो जाएगा? खतरा मतलब फूल खतरा हो जाएगा, जान की खतरा हो जाएगा। घर से निकाल के आदमी को पीट रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं हम लोग, प्रशासन उन लोगों के साथ में है, प्रशासन को साथ में लेके आके गुंडा को शेल्टर दे रहा है गांव में। तो अब क्या करेंगे? तो अब तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। मोदी जी का जो सिस्टम है उस सिस्टम से हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक मुस्लिम नागरिक है और ये कह रहे हैं कि दादा संदेश खाली ही नहीं, गली गली संदेश खाली है और इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा होगा। एकदम यही बड़ा मुद्दा होगा, हर गली में संदेश खाली, आदमी मुंह नहीं खोल पा रहे, हर बूथ में 2-4 ऐसा गुंडागर्दी बिठा के सेटिंग करके रखे हैं लोग। तो आदमी गांव का 1000 वोटर है, 1000 वोटर की जगह 4 गुंडा ऐसे 4 कोना पे बिठा के रखे हैं उन लोग, खाना पीना दारू ये वो दुनिया भर का फैसिलिटी देके। फिल्म में देखते? एकदम, काफी फिल्म चल रही है हर बूथ में। ये पश्चिम बंगाल का वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ करीब 30% मुस्लिम आबादी। आंकड़ों के मुताबिक उलुबेरिया लोकसभा क्षेत्र में करीब 30% मुस्लिम वोटर, जबकि करीब 70% हिंदू वोटर में से 20% दलित। उलुबेरिया में घूम रहे श्रीनिवास जब आगे बढ़े तो एक दुकानदार पर नजर पड़ी। तो सब कुछ बढ़िया है ना बंगाल में? बंगाल में तो बढ़िया सब कुछ नहीं है। क्यों? हमारा जो सरकार चल रहा है अभी, वो सरकार 5 साल तो सही चल रहा था, फिर अगला 5 साल सही नहीं चल रहा है। अच्छा, पिछला 5 साल सही नहीं चला? ना, पिछला 5 साल सही नहीं चला। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम तो 100% बीजेपी है। 100% बीजेपी है हम। दीदी कहती है कि बीजेपी वाला सिर्फ बंगाल में झमेला करता है। वो तो राजनीति है, हम लोग जानते हैं राजनीति करते हैं। राजनीति है दीदी तो राजनीति कर रहे हैं, झमेला नहीं है यहाँ? झमेला तो है, जैसे संदेश खाली है। क्या हुआ संदेश खाली में? जो है ऐसा संदेश खाली हर जिला में है। आपके इलाके में भी हुआ है? हमारा इलाका में भी है, लेकिन हम लोग उतना प्रेस से बोल नहीं पाएंगे, हम लोग अटैक हो जाएंगे। डर लग रहा है? हाँ भाई, डर तो है थोड़ा बहुत। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। संदेश खाली के जरिए अब ममता बनर्जी के खिलाफ गोलबंदी की कोशिश कितना असर करेगी, उसे समझते हुए श्रीनिवास को एक शख्स मिल गया। कैसा है हाल आपका? हमारा है बहुत, थोड़ा बहुत चल रहा है। थोड़ा बहुत चल रहा है? हाँ हाँ। बाकी क्यों नहीं चल रहा है? बाकी क्यों कैसे चलेगा, ये जो राज्य का परिस्थिति जो हो रहा है, हम सोच रहे हैं ये कैसे चलेगा। दादा ने क्या किया? मोदी ने बहुत कुछ किया। उसका जो प्रकल्प है वो पश्चिम बंगाल नहीं आ रहा है, उसका जो प्रकल्प है वो प्रकल्प पश्चिम बंगाल में आ जाएगा तो बहुत रास्ता खुल जाएगा। आप कह रहे हैं कि जो मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं वो पश्चिम बंगाल नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। उसका नाम ममता, महिला को क्या? उसका नाम ममता, उसका उसका अंदर ममता नहीं है। कहाँ है ममता? वो तो आप संदेश खाली में अभी तक नहीं गया, उसका मुख्यमंत्री है, सबका मुख्यमंत्री है। उलुबेरिया लोकसभा क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट, लोगों का मन टटोलते हुए एबीपी न्यूज की टीम दूसरे हिस्से में पहुंची। इस वक्त हम उलुबेरिया लोकसभा में ही हैं, बंगालपुर गांव है, यहाँ पे कुछ महिलाएं दिखी। चूंकि बंगाल में इस वक्त अगर कोई बात हो रही है तो विपक्ष ही आरोप लगा रहा है कि महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। दीदी कह रही हैं कि ये षड्यंत्र हो रहा है। महिलाओं से ही पूछते हैं ना, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। दीदी हिंदी कथा बोलते पड़ी भांगा भांगा? ये जो सुन रही हैं संदेश खाली संदेश खाली, क्या लग रहा है आपको? ये सब झूठा है। झूठ है, सब झूठा है। क्योंकि हमारा यह जो ममता दी का हमारा जेखन था कि पश्चिम बंग में हमारा कुछ सेफ्टी थे, सुरक्षित है, सुरक्षित है,
बहुत ही सेफ्टी से हम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्यों ये संदेश खाली हो रहा है, कुछ कारण? वो सब साजिश किया है, साजिश माहौल बना रहा है चुनाव के लिए। बंगालपुर गांव की तमाम महिलाएं दीदी को लेकर आश्वस्त। हालांकि यहां सिर्फ महिलाओं को संदेश खाली षड्यंत्र नहीं दिख रहा है, बल्कि नौजवानों को दीदी में देश भर का भविष्य दिख रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मेरी तो भाई गारंटी है, तो मोदी की गारंटी चलेगी या बढ़ेगा दीदी का मान, या खुलेगी राहुल के मोहब्बत की दुकान? दीदी का मान बढ़ेगा। देखिए बगल में एक दीदी है, उनसे पूछते हैं किसका मान बढ़ेगा। दीदी का मान बढ़ेगा। लेकिन पूरा हंगामा हो रहा है बंगाल में कि भैया यहाँ तो महिलाओं के साथ संतरास हो रहा है, संतरासी कहते हैं ना, सब झूठ बात है। हम लोगों को यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है, हम तो सब ठीक ठाक ही है। हम लोग का जो सरकार है ममता बनर्जी, जो हम लोग जो बंगाल का जो सरकार है बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन झूठ मूठ का बात करके हम लोग का सब बदनाम कर रहा है। दीदी बहुत अच्छा है, दीदी रहेगा दिल्ली में दीदी तो होगा तो बहुत अच्छा होगा। अपने अपने तर्क हैं, तथ्य हैं, सियासी आधार है। उलबेरिया लोकसभा क्षेत्र में एक बड़ी आबादी है जिसे ये पूरी तरह से साजिश का हिस्सा लग रहा है। ये जो संदेश खाली की बात हो रही है वो क्या है? वो सरासर झूठा है, एकदम झूठा है, वो बात एकदम झूठा है। तो वहाँ किसी तरह की कोई मतलब कुछ नहीं हुआ, वो एक मतलब षड्यंत्र चल रहा है। क्या लग रहा है कि बंगाल में महिला सम्मान चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगी? नहीं, ऐसा कोई बात तो नहीं है, लेकिन हमारा अभी जो गवर्नमेंट चल रहा है, हमारा जो अभी CM है ममता दी, वो तो बहुत डेवलप किया है। देख रहे हैं दीदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, रास्ता देखिए, महिला का 500 रुपये होता है, 1000 रुपया हो गया। तो आपको क्या लग रहा है कि दीदी चलेगा कि दादा? ना, बंगाल में ओनली फॉर दीदी चलेगा। जाहिर है कि ये लोगों का अपना अनुभव है, अपनी विचारधारा है, और अब और इन सब के बीच बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जिनका दावा है कि पश्चिम बंगाल की गली गली में संदेश खाली है। ऐसे में कहा जा सकता है कि चुनाव के वक्त संदेश खाली अहम फैक्टर हो सकता है। यहाँ वक्त है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं ABP News पर नए अपडेट्स के साथ।